जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के केशवपुरम पुलिस ने एक बेखौफ स्नैचर को गिरफ्तार कर एक मोबाइल फोन छीनने के मामले का खुलासा किया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से 9 अन्य चोरी के मोबाइल फोन और एक चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सोनू कुमार उर्फ कालू है, जो शालीमार बाग के केला गोदाम झुग्गी नंबर 72 का रहने वाला है। उसकी उम्र 21 साल है। आरोपी पहले से ही एक डकैती मामले में शामिल रहा है। नॉर्थ वेस्ट डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 8 अगस्त को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि दो लोग ग्रे रंग की स्कूटी पर सवार होकर उसके मोबाइल फोन को छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में केशवपुरम थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अपराध की गंभीरता और घटनास्थल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एसएचओ राजेश कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मोहित संजीव और लक्ष्मीकांत की एक समर्पित टीम और एसीपी संजीव कुमार के करीबी निगरानी में मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी को शालीमार बाग के केला गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने अपने साथी के साथ मिलकर यह वारदात की है। पुलिस ने उसके बताए अनुसार एक स्कूटी बरामद की, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था। इस स्कूटी की जांच करने पर पता चला कि यह मुखर्जी नगर थाने से चोरी हुई थी। स्कूटी की डिग्गी से 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जो महेंद्र पार्क, शालीमार बाग और अशोक विहार थाने के इलाकों से चोरी हुए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए अपराध शुरू किया। पुलिस ने उसके साथ ही की तलाश शुरू कर दी है और उसके अन्य मामलों में शामिल होने की संभावना पर भी जांच की जा रही है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।